नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस मिल सके। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। अब फैमिली आईडी में बहुत बड़ी अपडेट आई है जी। फैमिली आईडी के लिए टोकन मिलने शुरू हो चुके हैं। कौन कौन किन किन को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, डबल बम्पर धमाका जो कि आपको बताने जा रहे हैं। कोई भी स्किप ना करें, ठीक है जी, क्योंकि स्किप करोगे तो इसमें बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। सबसे पहले देख सकते हो इसमें ट्रिपल पी में सुधार के लिए बिगड़े हालात, पहचान पत्र में त्रुटियां सुधरवाने के लिए बढ़ने लगी है भीड़। क्योंकि आपको भी पता है आपकी भी फैमिली आईडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसमें भीड़ लग रही है बहुत ज़्यादा। परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को लेकर हालात बेकाबू होने लगे हैं। सोमवार को नगर कार्यालय में नागरिक सुविधा केंद्र पर शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों की तादाद अधिक होने पर स्थिति बिगड़ने लगी। इस अव्यवस्था को संभालने के लिए 4 पुलिस के जवान तैनात किए गए, फिर भी लोग परेशान होना पड़ा लोगों को। दरअसल मात्र 4 काउंटर ट्रिपल पी की दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और कमिश्नर धीरेंद्र खटकड़ा ने कार्यालय के निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को टोकन सिस्टम चालू करने के लिए कहा है। गांधी कैंप की संतोष ने भी बताया कि अपने अपने 100% दिव्यांग बेटे नरेश के साथ रहती हूँ, विधवा पेंशन से घर का खर्चा चलता है, इसके बाद भी राशन कार्ड में सालाना आमदनी 2.5 लाख दिखाकर काट दिया गया है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। ये देख सकते हो इसमें भी आपको सेम ही दिखने को मिल जाएगा। भी टोकन सिस्टम शुरू होने के बाद वो आपको रोहतक की न्यूज मैंने परसों चौथे की दिखाई थी, ये आज की है। टोकन सिस्टम शुरू होने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं हालात, लग रही है लाइन, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ट्रिपल पी की परेशानी, नगर कार्यालय ई दिशा केंद्र ई एडीसी कार्यालय के बीच बढ़ रही फरियादी, यानी कि लोग अब तंग हो रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। 47 में से 4 शिकायतें ही मान्य, मंगलवार को पहचान पत्र में आई संबंधित 47 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें 43 से खारिज कर दी गई हैं, जबकि 4 शिकायतों के दस्तावेज चेक होने के बाद वाजिब बताया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग ने पोर्टल रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद इन शिकायतकर्ताओं के राशन कार्ड बहाल कर दिए हैं, ठीक है जी। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर देख सकते हो, मेरा बेटा दिव्यांग है, विधवा पेंशन से घर का खर्चा चलता है और साल की सालाना आमदनी 2.5 लाख लिख रखी है, मजदूर की आमदनी 2.5 लाख दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ 3 बच्चों का परिवार है मेरा, मजदूरी करके किसी तरह रोटी का खर्चा निकलता है, लेकिन आमदनी 2.5 लाख रुपए सालाना दिखाकर राशन कार्ड काट दिया है। अब काउंटर पर 2 दिन से दौड़ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। देखो जी, ये हाल चल रहा है आजकल। मजदूरी के अलावा आय का जरिया नहीं है, सास देवर बेटा के अलावा हम पति पत्नी 5 सदस्यों का परिवार है। पति बीमार रहते हैं, मजदूरी से गुजारा चल रहा है, आमदनी 2.5 लाख से अधिक दिखा रखी है और हमारा राशन कार्ड काट दिया गया है। ये सारी प्रॉब्लम्स इनको आ रही हैं जी। और अव्यवस्था को दूर करने के लिए नगर कमिश्नर की ओर से टोकन सिस्टम शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। शहर में कॉलोनियों के अलावा ग्रामीण एरिया से आने वाले लोगों को सही मार्गदर्शन के अभाव निगम कार्यालय, लघु सचिवालय स्थित ई दिशा केंद्र और एडीसी कार्यालय तक इधर उधर भटक रहे हैं। कई शिकायतकर्ताओं का कहना है कि विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, मजदूरी आदि के जरिए जैसे तैसे उनकी गृहस्थी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 1,80,000 से कम की बजाय 2.5 से 5 लाख की इनकम दिखा रखी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, सभी को आ रही हैं, एक को नहीं। अब टोकन सिस्टम शुरू कर दिए हैं, इतने लोग परेशान हुए पड़े हैं, भी उनका कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। कोई घर में कमाने वाला नहीं है, कोई विधवा है, किसी का बेटा कुछ करता नहीं है, ये बेटा कोई नशे पत्ते करता है या कोई काम नहीं करता, कोई दिव्यांग है, कोई दिहाड़ी करता है। तो एक पीछे खबर भी आई थी भी मजदूर है, वो सिर्फ रेड़ी लगाता है, तो उसकी भी 3 लाख से 4 लाख 5 लाख इनकम दिखा रखी है। ऐसे ऐसे भी इन्होंने काम किए हुए हैं। फैमिली आईडी में लोग बहुत तंग परेशान हुए पे हैं, पड़े हैं, ठीक है जी। और आप भी हो तो ये ध्यान रखिए, आपको आज से टोकन मिलने शुरू है जहाँ पर भी आप जाओगे, क्योंकि आप अकेले नहीं, फैमिली आईडी वाले बहुत ऐसे कैंडिडेट आएंगे, बहुत ऐसे परिवार हैं जिनकी बिना मतलब फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा रखी है, सभी की इनकम का प्रॉब्लम है जी,
ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है। तो अगर ये टोकन सिस्टम आपके लिए शुरू कर दिया, ये अपडेट आपको देनी थी, ये हमने दी है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी रही है। और अगर इन्फॉर्मेशन और भी इसी तरह की आपको अप टू डेट चाहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन पता लगे, किसी का टाइम खराब ना हो, अपना टोकन लेकर टोकन के हिसाब से अपने शिकायतें दर्ज करवाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।